पर्यटन विकास के निर्माण कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और पूरे हुए कार्यों का सत्यापन अवश्य किया जाए। यदि कार्य मानक के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित निर्माण एजेंसी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि 2 महीने के अंदर स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किया जाए। यदि किसी विभाग का बजट अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ है तो शासन को पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वीकृत कार्य लंबित नहीं होने चाहिए। मंडलायुक्त ने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि श्रमिकों का भुगतान समय से कर दे, इसमें विलंब कदापि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य समय से पूर्ण होने चाहिए और जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उसे संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए। बैठक में अपर आयुक्त, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। और इस बैठक की समीक्षा भी हुई है सर जी, और इसमें लगभग लोगों ने 68% काम पूर्ण कर दिए हैं सर जी। डिटेल बताया समस्त कार्य सर ये पेमेंट नहीं हो रही है। मतलब जो लेबर काम कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं हो रही है। लेबर काम कर रहे हैं उनका लेबर का पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है। लेबर का पेमेंट बिना पेमेंट तो कैसे लेबर काम करेंगे। बाहर से आए हुए हैं वो लोग रह रहे हैं बहुत सात दिन से यहाँ पे, वो इसी डे टू डे कमाई के हिसाब से भी वो चलते हैं। लोन में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, वो शासन लेवल से पैसा आना था वो सब आ चुका है।